Hello, good morning everyone. How are you all? I'm your English teacher, Mishila Chatterjee. Today we will read chapter number 3. We have three stories in this chapter, and uh, we will read these stories properly because reading is very important. We will do exercise, new words, word meaning, and you have to learn all the things simultaneously. Okay? let's start the class. chapter number three, the loving dog. first activity, do you know these animals? do you know these animals? their name have got jumbled. see? zebra, lion, giraffe and elephant. got jumbled. M match each animal with its correct name. so you have to match the name first is line so where is the line? here is the line and this is elephant so match with the elephant next is zebra so match with zebra and the last one is giraffe so match with giraffe

Yes, his red, red, tongue is hanging out of his mouth. Monica, I think the name Chewy suits you better. मुझे लगता है तुम्हारा नाम चुई होना चाहिए तुम्हें ज्यादा सूट करता है चूई का, मत का मतलब क्या होता है जो चबाता रहता है यू चू एवरी थिंग यू सी यू चू चू बाइट करना चबा देना खा जाना एवरीथिंग सब कुछ यू सी तुम सब कुछ चबा देते हो जो भी तुम देखते हो लकी द डॉग लकी वो वो द साउंड ऑफ बाकिंग भौंकने की आवाज़ वो वो लकी यू ट्राई टू चू माई होमवर्क एवरी इवनिंग एंड द नोटबुक बिकम्स वेट वॉट इज द मीनिंग ऑफ विट गीली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट गीली तुम सब मेरा होमवर्क हमेशा इवनिंग शाम को चबा जाते हो और मेरी नोटबुक्स गीली हो जाती हैं लकी लुकिंग एट हर फेस वो लकी मोनिका को देखता है और अगेन सेम सॉन्ग वो मोनिका नो आई एम एंग्री विद यू आई एम एंग्री विद यू नहीं मैं तुमसे नाराज हूँ मोनिकाज मदर इज स्माइलिंग मोनिकाज मदर इज़ स्माइलिंग मोनिका का ममा क्या कर रही हैं हंस रही हैं शी इज़ वाइपिंग शी इज़ वाइपिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइपिंग साफ़ करना मोनिकाज नोटबुक विद द ड्राई टावर तो उनकी मम्मा क्या कर रही हैं उनकी नोट मोनिका की नोटबुक्स को ड्राई टावर यानी सूखे टाल से साफ कर रही हैं दिस इज आर फर्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पेज दिस इज आर नेक्स्ट स्टोरी आनंदी इज ड्रॉइंग अ रेनबो सी आनंदी इज ड्राॅइंग रेनबो सी कैन यू सी हियर रेनबो विदाउट कलर आनंदी इज ड्राॅइंग रेनबो नाउ शी वॉन्ट्स टू कलर इट क्योंकि उसमें कलरफिल नहीं है तो उसे कलर करना चाहती है शी इज लुकिंग फोर हर कलर बॉक्स और वो क्या ढूंढ रही है लुकिंग का मतलब होता है ढूँढना ठीक है क्या देख रही है क्या ढूँढ रही है अपने कलर बॉक्स क्योंकि उससे अपनी रेनबो इंद्रधनुष में कलरफिल करने शी कैन नॉट फाइंड इट पर उसे कहीं नहीं मिल रही शी इज ट्राइंग टू रिमेम्बर वेयर शी कैप्ट शी इज़ ट्राइंग टू रिमेंबर रिमेंबर रिकॉल याद करना वो याद करने की कोशिश कर रही है कि उसने कलर्स कहाँ रखे हैं हर मदर इज़ हेल्पिंग हर हर मदर इज़ हेल्पिंग हर मम्मा उसकी हेल्प कर रही हैं आनंदी आई कैनॉट फाइंड माई कलर बॉक्स आई वॉन्ट टू कलर दिस रेनबो मुझे मेरे कलर बॉक्स नहीं मिल रहे हैं मुझे रेनबो में कलर करना है मदर लुक फॉर इट इन योर बैग लुक फॉर इट इन योर बैग अपने बैग में देखिए आनंदी इट इज नॉट इन माई बैग मेरे बैग में नहीं है मदर लुक फॉर इट ऑन योर टेबल लुक फॉर इट ऑन योर टेबल अपने टेबल पे ढूंढो आनंदी इट इज नॉट ऑन माई टेबल इट इज नॉट ऑन माई टेबल मेरे टेबल पर भी नहीं है। है? वो आनंदी नाउ आई रिमेम्बर अब मुझे याद आया आई पुट इट इन आमिस बैग आई पुट इट इन आमिस बैग अब मुझे याद आया वो मैंने अमित के बैग में रख दिए थे तो एंड हु इज अमित अमित इज आनंदीस इज ब्रदर आनंदी एंड हर मदर आर ओपनिंग खोलना अमित बैग आनंदी और उसकी मम्मा अमित के बैग को खोल रही हैं दे फाइन टू कलर बॉक्सेस इन द बैग सो उन्हें कितने बॉक्सेस मिले टू एक अमित का एक आनंदी का दे आर नाउ टेकिंग आनंदीज कलर बॉक्स आउट ऑफ द बैग अब वो क्या कर रहे हैं आनंदी के कलर बॉक्स को बाहर निकाल रहे हैं टेकिंग बाहर निकालना ठीक है या लेना सो दिस इज आर चैप्टर थ्री फर्स्ट स्टोरी एंड सेकेंड स्टोरी थर्ड स्टोरी वी विल रीड इन आर नेक्स्ट चैप्टर ओके बाय टेक केयर